हेलो राधे राधे, आप सबका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सर्दी का मौसम है तो सब अपना ख्याल रखिए। और बस सुबह का ही टाइम है, सुबह ज़्यादा सुबह का भी नहीं, 9:30 बजे होंगे। और अभी आप देख सकती हैं, ना ही मैंने नहाया है और ना ही मैंने कुछ काम किया है। सुबह बस चाय बना ली थी, मतलब चाय भी मैंने अभी बनाई हुई है, 10-15 मिनट पहले ही बनाई थी। और इसके बाद मैं रख गई थी तिवारी जी को, क्योंकि तिवारी जी अभी उठे नहीं थे, तो मैंने किसी को ही नहीं उठाया, ना ही बच्चों को उठाया, ना ही तिवारी जी को उठाया। जो जो मन से अपने उठता जा रहा है उसको मैं चाय गर्म करके देती जा रही हूँ। और अभी बनाई है चाय भी मैंने, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो यहाँ पर तिवारी जी की चाय रखी थी, तो उसमें मैंने थोड़ा सा दूध और डाल दिया है, क्योंकि थोड़ी सी मैं भी पी लूँगी। सर्दी के मौसम में जितनी भी चाय मिले उतनी कम है फ्रेंड्स, ऐसा लगता है चाय पीते ही जाओ। तो बस यहाँ पर मैंने शक्कर डाल दी है, थोड़ी सी डाल दूँगी चाय पत्ती, और चाय उबलने के लिए रख दूँगी। और जो मैं थैली में लेकर आ रही थी वो थी मूंग की दाल, जो आपको दिखा रही थी रात में तिवारी जी लेकर आए थे 2.5 किलो। पहले 1/2 किलो लेकर आए थे, तो हम लोगों ने बनाई दाल तो बहुत टेस्टी दाल लगी, बहुत ही ज़्यादा। तो इसीलिए फिर मैंने तिवारी जी से कहा था कि और लेकर आना, ये दाल बहुत टेस्टी है। तो इसीलिए रात में लेकर आ गए थे तिवारी जी 2.5 किलो, तो वहीं कमरे में ही रखी थी, क्योंकि रात में फिर मैं किचन में नहीं आई, बहुत सर्दी थी इस वजह से। तो यहाँ पर मैंने एक गैस में रख दिया है पानी गर्म होने के लिए तिवारी जी को पीने के लिए। और यहाँ पर डिब्बे में फटाफट से मैं दाल भर दूंगी, दोनों 2 या 3 डिब्बे भराएंगे फ्रेंड्स। तो अभी फटाफट से मैं पहले दाल भर देती हूँ, तो ये काम भी हो जाएगा। और अभी तक मेरा कोई काम नहीं हुआ है, क्योंकि सुबह से मन ही नहीं कर रहा था, कम्बल में सीटने की इच्छा ही नहीं हो रही थी कि कुछ काम कर लूँ। नहीं तो अभी तक नहाना तो हो ही जाता, मेरा सारा काम भी हो जाता, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ था। और बस यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अभी पानी गर्म करने के लिए रख कर आई हूँ 1 बाल्टी। और जब तक पानी गर्म होगा, जब तक मैं नहाने का तो झाड़ू पोछा और बर्तन चाय के साफ़ कर दूँगी, फिर जाऊँगी नहाने के लिए, इच्छा ही नहीं हो रही है। और ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर पानी गर्म करने के लिए रखा 1 गैस पर, और 1 गैस पर बन रही है चाय, और बस मेरी गैस चली गई है। मतलब मुझे पता ही नहीं चला कि गैस चली गई है, क्योंकि अभी मैंने सोचा और टाइम होगा गैस के लिए, लेकिन 1.5 महीना हो गया है, तो इस वजह से गैस भी चली गई। मैंने टंकी को अभी देखा भी नहीं, मैंने कहा अब क्या करूं, क्योंकि गैस की टंकी मैंने भरवाई भी नहीं थी। नहीं तो मैं क्या करती हूँ, 2 गैस की टंकी है, जब मुझे पता रहता तो 1 गैस की टंकी मैं पहले ही भरवा लेती हूँ। लेकिन इस बार मेरे मन में भी नहीं आया और याद भी नहीं रहा कि 1.5 महीना हो गया है गैस की टंकी, अब तो गैस बंद ही हो गया। आप खुद देख सकते हैं गैस बंद हो गए हैं, और ये चाय भी नहीं उबली है और पानी भी नहीं उबला हुआ है। तो जितना गर्म है उतना गिलास में मैं डाल लेती हूँ पानी, कि ठंडा ना हो। और चाय मैं मम्मी के गैस पर उबाल कर ले आती हूँ, क्योंकि चाय अभी उबली ही नहीं है, आप खुद देख सकते हैं जैसी की तैसी है। चलिए पहले थोड़ा देखते हैं गैस की टंकी को, मतलब नीचे करके देखते हैं, इधर उधर हिलाएंगे कि जिससे हो सकता है थोड़ा बहुत गैस जल जाए और चाय अच्छे से उबल जाए। देखिए, मतलब एक बहुत परेशानी आती है ऐसे टाइम में, भूल जाती हूँ ना, भगवान भी क्या पता क्या चाह रहा, मैंने सोचा ही नहीं, दिमाग में ही नहीं था मेरे। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं इसको थोड़ा हिला लेती हूँ कि जिससे चाय उबल जाए, नहीं तो फिर मम्मी के यहाँ तो जाना ही पड़ेगा किचन में और चाय उबाल कर लाना पड़ेगा। मैंने गैस जलाया तो ये देखिए गैस बिल्कुल स्लो जल रहा है, जैसे थोड़ी बहुत धीमी धीमी उसमें से गैस निकल रही है, तो उतना ही गैस जल रहा है। इससे तो चाय उबल नहीं सकती, क्योंकि चाय अभी उबली भी नहीं है इस वजह से। तो चलिए मैं थोड़ी सी दाल और उसमें डिब्बे में भरकर डिब्बा बंद करके रख देती हूँ, कि जिससे सीड़े ना हो, मतलब दाल, क्योंकि मौसम ठंडा है तो सीड़ जाएगी, इसीलिए मैं फटाक से इसको भर देती हूँ। रात में मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी, नहीं मैं रात में ही दाल को भरकर डिब्बे में रख देती। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं थोड़ी सी और हिलाने की कोशिश की, लेकिन उसमें गैस है ही नहीं है तो जलेगी क्या, लेकिन नहीं जल रही है। तो अब मैं मम्मी के यहाँ ले जा रही हूँ, ये देखिए 2 डिब्बे भर चुके हैं दाल की, और अभी एक और डिब्बा भर जाएगा, इतनी रह गई है ये देखिए। तो चलिए बंद हो गया है, पूरा गैस बंद हो गया है उसमें, मतलब देखिए किस तरीके से जल रहा है।
उसमें आँच भी नहीं लग रही होगी गैस में। तो अब हम चलते हैं मम्मी के किचन में और चाय को अच्छे से उबाल कर लाते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, चाय उबाल लाई हूँ और चाय मैंने दोनों गिलास में छान लिए, एक गिलास तिवारी जी के लिए और एक गिलास में मेरे लिए। तो बहुत ज़्यादा सर्दी है, सॉल भी कानों पर ओढ़ो ना तब भी सिर दर्द हो रहा मेरा। अब चलते हैं, अब मैं नहा कर आप लोगों से मिलूँगी। और फ्रेंड्स, नहा लिया है मैंने, नहाकर पूजा वगैरह कर ली है। तो अभी लेकर आई हूँ मैं सब्जी, और सब्जी में ली है मैंने पालक, आलू, मटर और धनिया। तो चलिए अब हम चलते हैं किचन में, करेंगे खाना की तैयारी। और बहुत तेज सर्दी है आज भी फ्रेंड्स, बहुत तेज धूप है सर्दी की। पहले डाल आते हैं कपड़े फ्रेंड्स, कपड़े रखे हुए हैं नीचे, तो ऊपर चलते हैं, ऊपर ही डाल कर आते हैं। तो बस फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं सारे कपड़ों को रख लूँगी क्योंकि सर्दी थी, लेकिन तब भी मैंने गला कर रख दिए थे कपड़े। बस थोड़े से ही इनको पानी में से निकालना था क्योंकि ज़्यादा नहीं पहने थे, 15-20 मिनट सभी ने ये कपड़े चेंज किए थे, इस वजह से मैंने इनको धोकर डाल दिया है। लेकिन हवा अच्छी चल रही है तो सूख भी जाएंगे, इसीलिए अब हम चलते हैं छत पर, इनको छत पर डाल आएंगे क्योंकि नीचे तो ये सूखेंगे भी नहीं। हवा चल रही है लेकिन इतनी हवा नहीं लग रही जितनी ऊपर लगेगी, तो इसीलिए मैं ऊपर बाल्टी में रखकर सारे कपड़ों को ले जा रही हूँ छत पर और वहीं पर डालूंगी। और अच्छा थोड़ी सी धूप निकल आएगी तो अच्छे से सूख भी जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो में बने रहिए और अब हम चलते हैं छत पर, फटाफट से सारे कपड़ों को डालाते हैं। हाँ दिख रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स, हल्की धूप भी आ गई है लेकिन लग नहीं रही है क्योंकि हवा भी साथ में चल रही है। तो मैंने सारे कपड़ों को डाल दिया है और कुछ कपड़े रह गए हैं तो उनको भी मैं डाल दूंगी। इसके बाद हम चलते हैं नीचे, अभी खाना नहीं बना है तो खाना भी बनाना है।
और फ्रेंड्स अब आ गई हूँ मैं नीचे, तो नीचे आकर मैंने आटा भी लगा लिया है और सब्जी भी बना ली है। तो फटाफट से मैं रोटी सेक देती हूँ क्योंकि आज बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ सर्दी की वजह से। आज क्या 2-3 दिन से लेट ही हो जाती हूँ क्योंकि सर्दी लगती है तो काम भी टाइम पर नहीं हो पा रहा जिस टाइम पर होता है। तो चलिए फ्रेंड्स आप लोग वीडियो में बने रहिए और मैं सेक लेती हूँ रोटी और फिर आप लोगों से मिलूँगी मैं। तो आप लोग वीडियो फुल वॉच कीजिए, लास्ट तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज की वीडियो यहीं पर करूंगी एंड, कल मिलूंगी नई वीडियो के साथ। सभी को राधे राधे, बाय।